अस्सलाम दोस्तों, द्वेश किचन में खुश आमदीद। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। देख रहे हैं आप आलू की टिक्कियाँ और आलू की टिक्की की चाट। ये है रेसिपी जो मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी। दो रेसिपीज हैं ये। कबाब बहुत क्रिस्पी से हैं और इन्हीं क्रिस्पी कबाब की आप सीखेंगे मेरे से चाट। तो चलिए चलते हैं इन्ग्रीडियंट्स की तरफ। टिक्की चाट बनाने के लिए पहले हम आलू की टिक्कियाँ बना लेते हैं। ये देखें, मैंने 1.5 किलो आलू ले लिए। उनमें मैंने 1 टीस्पून नमक का डाला और उबाल लिया, छिलका उतार लिया। अब इसमें क्या क्या जाएगा, सीजनिंग पहले चेक कर लें। इसमें जाएगा 2 टीस्पून हमारे पास ये नमक है, ये जाएगा 2 टीस्पून ही लाल मिर्च, 1 टीस्पून धड़ा मिर्च जाएगी, 3 टीस्पून इसमें सूखा धनिया जाएगा। सूखा धनिया आलू की टिक्की में ज़रा ज़्यादा जाता है। और 1.5 टीस्पून मेरे पास जीरा ये जाएगा, 1/4 टीस्पून अजवाइन और 1/4 टीस्पून ये कलवंजी है ये इसमें जाएगी। ठीक है, अब ये देखें प्याज, प्याज इसमें जाएगा एक बड़ा। मेरे पास उनके 1.5 किलो आलू हैं तो इसमें एक बड़े साइज़ की प्याज जाएगी। कुछ पत्ते मैंने इसके ले लिए हैं पुदीने के, थोड़ी सी क्रंच के लिए मैंने बंद गोभी ले ली। और ये है मेरे पास सब्ज़ मिर्चें हैं 5 से 6 अदद, बारीक हैं बहुत ज़्यादा और मैंने इनको और मज़ीद बारीक काट लिया। सब्ज़ धनिया मैं चाट के ऊपर डालूंगी। जब टिक्की हमारी तैयार हो जाएगी, चाट बनाएंगे उसके ऊपर हम डाल देंगे। और ये जो है नींबू, ये 5 हैं, ये हम स्क्वीज़ कर लेते हैं आलुओं में। संग साथ इसमें जाएगा चिली सॉस। चिली सॉस हम डालेंगे 3 टीस्पून। इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाएगा, ज़रा टेंगी टेस्ट भी हो जाएगा। लेमन से भी टेंगी हो जाएगा लेकिन इससे ज़रा और मज़े का हो जाएगा। चलें शुरू करते हैं चीज़ों को मिक्स करना। आलू में हम सारी सीजनिंग डालना शुरू करते हैं। ये देखें सारी सीजनिंग जो मैंने आपको पहले बता दिया ये इसमें चली जाएगी। और साथ में ये प्याज और बंद गोभी, पुदीना और सब्ज़ मिर्चें ये इसमें चले जाएंगी। साथ ही मैं लेमन स्क्वीज़ कर लेती हूँ। मैं इसमें 5 लेमन स्क्वीज़ कर लूँगी। लेमन मैंने स्क्वीज़ कर लिया। अब ये देखें आलू इसमें साबुत है। अब मैं मैशर की मदद से इसे मैश कर लूँगी और सारे मसाले इसमें अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाएंगे। आलू को सारे मसाले और प्याज वगैरह सब चीज़ों के साथ हमने कर लिया मैश। अब हमने क्या करना है, अब हमने लेना है 3 से 4 टीस्पून हमने ऑयल के लिए, ऑयल घी जो भी ले लें ये हमने डाल लेना है एक पैन में। और ये जो है मिक्सचर, आलूओं का बैटर जो हमने मिक्सचर बनाया है इसको हमने कर लेना है फ्राई। चूल्हा हम कर देंगे इसका मीडियम और ये सारा इसमें डाल के हम इसको फ्राई करेंगे। इसको फ्राई करने से आलू की टिक्कियाँ मज़े की बन जाती है, ज़रा ज़्यादा मज़े का उसमें जायका आ जाता है। ऐसे चूल्हा किया फुल। और अब ये जो 3 टीस्पून मैंने आपको चिली सॉस बताया था, चिली सॉस, हॉट सॉस जो भी डाल लें, ये हम स्टेज पे इसमें डालेंगे। फुल चूल्हे के साथ हमने इसको 5 मिनट तक ये भुनाई कर लेनी है। आप इसको भुनाई करें कि हम ऑयल में इसकी भुनाई कर देंगे। इससे सारे मसाले और जो आलू हैं ये सारे मसाले आलू में जज्ब हो जाएंगे, मज़े का एक जायका आ जाएगा। चलें 5 मिनट बाद फिर मिलते हैं इसकी भुनाई करके। अब ये देखें 5 मिनट में सारा बैटर फ्राई हो गया। मैं इसको निकाल लेती हूँ। हम इस बैटर का ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं। जब ये ठंडा हो जाता है फिर इसकी टिक्कियाँ बना के इसको फ्राई करते हैं। ये बैटर आलू का जो है वो ठंडा हो चुका है। इसके कबाब बनाना शुरू करते हैं। दोनों हाथों पर लगा लेते हैं पानी थोड़ा थोड़ा। ये यहाँ से ये उठा लेते हैं आलू का बैटर। इसको ऐसे किया, शेप दे ली ऐसे। इसको हमने बहुत ज़्यादा मैशी नहीं करना है, ऐसे आलू खड़े खड़े होने चाहिए। ठीक है, इसका बिल्कुल भुरता नहीं बना देना। हम आलू के कबाब, आलू की टिक्कियाँ बनाने लग रहे हैं, भुरता नहीं। तो इसको ऐसे खड़े खड़े होने चाहिए आलू। जब आप उबालेंगे तो इतना ही उबालना है कि आलू जो है वो नज़र आए, बिल्कुल इसका भुरता ना बन जाए। इसी तरह हम सारे कबाब बना लेते हैं। ये देखिए कबाब मैंने बना लिए। अब ये किस में फ्राई होंगे, इसको हम फ्राई करेंगे बेसन में। हमने 1/2 कप बेसन ले लिया, उसमें हमने 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हमने इसमें ये देखिए नमक डाल लिया और 1 टीस्पून हमने इसमें डाल लिया सूखा धनिया। ठीक है, इसमें पानी डाल के हम इसका ज़रा पतला बैटर बनाएंगे। बहुत गाढ़ा नहीं होगा, थोड़ा सा पतला ही होगा। चलिए बन जाता है, मैं आपको दिखा देती हूँ। कंसिस्टेंसी इसकी चेक कर लें, ये रनी सा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये थिक नहीं है, रनी सा है। तेल हमारा गर्म हो गया है, हमने कबाब उठाया। ये देखें तेल गर्म, चूल्हा आप इसका रखेंगे मीडियम पे। और ये कबाब एक उठा लिया हमने। और ये देखें इसको हमने इसमें डिप किया बैटर में और ऐसे हम इसको इसमें डालते जाएंगे। ठीक है, सारे कबाबों को हम ऐसे ही उठाएंगे और ऐसे हम डालते जाएंगे। अब हम इसको टर्न कर लेते हैं, इसको हम गोल्डन ब्राउन का कलर देंगे और टर्न कर लेंगे। चेक कर लेते हैं ये दूसरी तरफ से हो गए। ये देखें प्यारा सा कलर आ गया। अब हम ये सारे निकाल लेते हैं। देखें
ये देखें ये मैंने निकाल लिया। अब मैं सेकंड बैच में डाल देती हूँ। ऐसे उठा लिया, इसमें रोल किया और ऐसे मैंने इसमें डाल दिया। ठीक है, सारे डाल देती हूँ मैं, पांच एक दफ़ा में डल जाएंगे। कबाब हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से फ्राई हो गए, ये देखें सारे मैं निकाल लेती हूँ। अजान भी हो रही है, बस ये इसी तरह मैं सारे निकाल लूँ। आलू की टिक्कियों को देखें, यहाँ इस स्टेज तक मैंने क्या किया, मैंने इसको वेजिटेबल के साथ सर्व कर दिया। साथ मैंने दिया इसके साथ ग्रीन चटनी, धनिया और पुदीने की है, और ये है क्रीम वाली दही, और ये है मेरे पास केचप। मैंने इन तीनों चीज़ों के साथ इसको सर्व किया। अब हमने टिक्की की चाट कैसे बनानी है, आलू टिक्की चाट कैसे बनानी है, अब आप वो सीखें। अब देखिए हम बना रहे हैं अब टिक्की चाट। इसमें हमने ले लेने हैं दो, ये हम कबाब लेंगे, आलू के कबाब दो ले लिए। इनको थोड़ा सा हमने ऐसे तोड़ लिया, ठीक है, ऐसे तोड़ लिया थोड़ा सा। इसके ऊपर अब क्या जाएगा वो देखते जाएं। ये दही जाएगी इसके ऊपर, थोड़ी सी इसमें मैंने क्रीम मिक्स कर दिया, ये क्रीम दही चली गई, और इसमें देखें अब जाएगी ये हरी चटनी, धनिया पुदीने की हरी चटनी जाएगी। अब ये देखें ये है मीठी चटनी, किस चीज़ की है, खुबानी की मीठी चटनी, थोड़ी सी ये ड्रिजल कर दें। और इसके साथ इस स्टेज पे इसमें जाएगा भला मसाला, चाहे तो आपके पास चाट मसाला है वो भी ठीक है, कॉम्प्लीमेंट भला मसाला कर रहा है इसलिए मैं इसमें भला मसाला डाल रही हूँ। अब इसका सैलड इसके ऊपर ये जाएगा, इसमें गाजर है, थोड़ा सा प्याज डाल दिया मैंने, मूली बहुत ज़रूरी है इसमें, मूली बहुत मज़े की लगती है, चाहे तो भले हों दही भले हों, चाहे तो हो जाए आपकी ये टिक्की चाट, मूली इसमें बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। थोड़ा सा ऊपर से भी हम सब कुछ डालते रहेंगे, ये देखें ऐसे डाल दिया, और साथ में ये मीठी चटनी। अब ये देखें ये मज़े की चाट, टिक्की चाट बिल्कुल तैयार है। साथ में हम दे देते हैं चम्मच, और दोनों चीज़ों को मैं इकट्ठा करके आपको चेक करवाती हूँ। आलू की टिक्की चाट बिल्कुल रेडी, अब आप इसकी फाइनल लुक चेक कर लें, कबाब की भी और चाट की भी, साथ आप लवाजमात भी देख लें। आप भी बिल्कुल ये सब कुछ इसके साथ बनाइएगा और बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब टाइम हो गया आपसे इजाज़त लेने का, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।